चलो भाई करें स्टार्ट बेटा, पार्टी बेटा जब मन करे तब दे देना यार। तुम डेली बोलते हो यार, तुम घर गए अभी कुछ लाए मेरे लिए घर से? क्या लाए? अच्छा यार वो तो मैं लाया ना। चलो भाई हो गए सबके इलेक्ट्रॉन सेटल हो गए, चलो करें स्टार्ट है ना। ठीक है, कहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था? और डिस्कशन के लिए क्या दिया था बेटा मैंने? S1 के क्वेश्चंस दिए थे 1 से लेके 13 तक और रेस नंबर 14, ये डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। और हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे बेटा? सॉलिड स्फीयर का हो गया था क्या? ठीक है, और वेरिएबल डेंसिटी वगैरह हो गया था ना। ठीक है ओके, स्टार्टिंग से फटाफट एक बार ब्रीफ कर लेते हैं है ना। इलेक्ट्रो की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल शुरू से कहानी की बात करें है ना, 50,000 साल पहले है ना। तो हमने शुरुआत जब बात की थी, हमने बोला था कि देखो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ना एक्चुअली इलेक्ट्रो डायनामिक्स है ना, और इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज करें तो एक्चुअली इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म है, जिसमें हम टोटल 6 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका सबसे पहला चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स रिलेटेड टू चार्ज, स्टैटिक मीन्स रुका हुआ। तो हम चार्ज के बिहेवियर को रीड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले फोर्स से स्टार्ट किया, कूलाम फोर्स की बात की। हमें वहां से पता चला कि दो चार्ज के बीच में कूलाम फोर्स K Q1 Q2 R² लगता है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो K Q1 Q2 R³ × R² ये लगेगा। पॉजिटिव चार्ज अगर दोनों इक्वल चार्ज सेम पोलरिटी चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें एक टर्म की जरूरत पड़ी, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। हमने बोला कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है तो अपने सराउंडिंग में एक फील्ड को जनरेट करता है, जैसे उसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, आइदर उस पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगता है, वो डिपेंड करता है दूसरे चार्ज के नेचर पे। अगर दूसरे का चार्ज मेरे जैसा है तब तो रिपल्सिव लगेगा, लेकिन दूसरे का चार्ज अगर मेरा अपोजिट है तब अट्रैक्टिव लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी की होती है, उसका फॉर्मूला होता है KQ/R². फिर हमने अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट के लिए देखा, ऐसे ऑब्जेक्ट जिन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उनकी लेंथ पे हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। पहले हमने वायर की बात की, यानी वायर में इनफाइनाइट वायर अलग आया है ना, फाइनाइट वायर अलग आया, तो फाइनाइट वायर के लिए आया था K λ/R sin θ1 + sin θ2, या फिर K λ/R cos θ2 - cos θ1, सबको याद है बढ़िया से। फिर हमने आर्क के लिए निकाला, आर्क के लिए था 2K λ/R sin θ2, क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग आए कि यार अभी और भी तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, डिस्क भी हो सकता है जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर हो, उसके लिए आया था σ/2 ε₀ 1 - x/√R² + x²। इस तरह की बात है कि फिर हम लोगों ने बोला कि यार ये तो सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट हुए जिनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आइदर उनकी लेंथ पर या एरिया पर है, क्या वॉल्यूम वाले भी हो सकते हैं क्या? तो वॉल्यूम वाले भी हो सकते हैं, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ी, वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ पढ़ने के लिए पहले हमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पढ़ना पड़ा, क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पढ़ा तब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता चला, और जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा वहां से हमारे पास गॉस लॉ आया। ठीक है, तो गॉस साहब ने क्या बोला था कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ E·dS = Q·in/ε₀। क्लियर है, गॉस लॉ को अप्लाई करने का तरीका सबको क्लियर है। हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक इमेजिनरी सरफेस होता है। क्लियर है, कोई भी गॉसियन सरफेस को आप कैसे लेते हो? जैसे अगर पॉइंट चार्ज है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ही होता है। मुझे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस लेते हैं, और उसके लिए E·dS = Q·in/ε₀ निकालते हैं। तो जब हमने शेल के लिए निकाला तो पता चला अंदर फील्ड जीरो आ रहा है, लेकिन बाहर कितना आ रहा है? जितना एक पॉइंट चार्ज की वजह से आ रहा। फिर हमने सॉलिड की वजह से निकाला, सॉलिड के अंदर फील्ड जीरो नहीं आया था, वो आया था KQ r/R³, या रो की टर्म में काम किया था तो ρr/3ε₀। सबको मेरी कहानी बढ़िया से समझ में आ रही है बेटा? फिर हमने बोला कि यार ये अगर यूनिफॉर्म ना हो के नॉन यूनिफॉर्म हो तो किस तरह से हो, तो ये वाले क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए थे। अब इसी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर मान लो मैं एक इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता, जो मुझे याद है कितना होता है 2K λ/R, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको मैं किससे कैलकुलेट करूं? बाय गॉस लॉ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालू, क्लियर
कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट वायर इसे कैलकुलेट करें, पर ध्यान से सुनना अगेन। यहां पर हमें भी क्या कैलकुलेट क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस। अब इसको कैसे लेंगे, पर ध्यान से सुनना। किसी भी पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होता है ना। हम क्यों लेते हैं स्फेरिकल, क्योंकि हमें ऐसा गॉसियन सरफेस लेना होता है जिसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट हो। अगर मान लो एक वायर है, वायर मान लो यहां से इनफाइनाइट वायर है, यहां से आर डिस्टेंस में फील्ड बताओ 2k लैम्डा बाय r, यहां से r डिस्टेंस पे तो कैसा गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल। कैसा लेना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल। तो ये दिमाग में बिठा लेंगे कि अगर मेरे पास वायर है या मेरे पास सिलेंडर भी है तो इसके लिए गॉसियन सरफेस हमेशा कैसा होता है, सिलेंड्रिकल इंच। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहां से r डिस्टेंस पे मुझे कैलकुलेट करना था कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो मैं यहां से r डिस्टेंस पर एक गॉसियन सरफेस ले लूंगा सिलेंड्रिकल, ये ले लिया मैंने, जिसकी लेंथ है l और रेडियस कितनी है r। अब अगर मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो मैं अप्लाई करूंगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ e डॉट ds इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर वही कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बताओ, इस वायर के परपेंडिकुलर होता है ना, यानी इधर होगा। हाँ, ये मेरे पास गॉसियन सरफेस है। मुझे बताओ इस गॉसियन सरफेस के कितने एरिया हैं, सिलेंडर के कितने एरिया होते हैं, तीन, दो तो फ्लैट एरिया और एक कर्व एरिया। अगर मैं ई डॉट डी एस लिख रहा हूं तो ई डॉट डी एस का मतलब क्या, नेट फ्लक्स ही तो है। ई डॉट डी एस क्या होता है, फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स तीनों सरफेस से पास होना चाहिए, तो मैं तीनों सरफेस के लिए लिखूंगा। लेकिन दो सरफेस से फ्लक्स कितना पास हो रहा है, जीरो। कौन कौन सी दो सरफेस, फ्लैट सरफेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे, एंगल कितना 90। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर ऐसे, एंगल कितना 90 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं कि इस केस में जो फ्लक्स पास हो रहा है वो सिर्फ कौन सी सरफेस से हो रहा है, कर्व सरफेस। और अगर मैं कर्व सरफेस लूंगा, जैसे मान लो भैया ये कर्व सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी, एंगल कितना कॉस 0 1। तो ई डॉट डी एस को मैं डायरेक्टली ई इंटू एरिया लिख सकता हूं, दैट इज क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ ds बताओ कितना, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस होता है ना, ये जो आप लिखते हो ये किसका एरिया होता है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। सबको कहानी बढ़िया समझ में आ रही बेटा, E इंटू एरिया बता दो मुझे, कर्व सरफेस एरिया, दैट इज 2πr इंटू l, 2πr into h की जगह l, क्यों इन होता है, चार्ज enclosed within the Gaussian surface, Gaussian surface के अंदर ये चार्ज आ गया। कैसे निकालूंगा, lambda को length से multiply कर, तो lambda into l upon, देखो आंसर आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। यहां से अगर आप e की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो e की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, lambda upon 2πε0r, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो 1/4πε0k, तो कितना बन गया, दैट इज 2k लैम्डा बाय r। सबको कहानी बढ़िया तक समझ में आई। तो देखो इस तरह से जैसे हमने वायर का निकाला, क्या हम सिलेंडर का भी निकाल सकते हैं क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा वही रहेगा, इसको नोट करो, और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू हॉलो सिलेंडर। हॉलो इनफाइनाइट लॉन्ग अच्छा वायर में और सिलेंडर में, जैसे हॉलो सिलेंडर का मतलब समझ में आ रहा है सबको? हॉलो का मतलब अंदर से खाली, ऐसा समझो आपने कागज लिया, कागज को रोल कर दो, सिलेंडर बन गया, अंदर से कैसा है खाली। चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? उसके सरफेस एरिया पर। तो क्या मैं लैम्डा से काम कर सकता हूं क्या? नहीं, मुझे क्या लेना पड़ेगा? सिग्मा। सिग्मा जो है दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ रही है? सब लोग इधर देखो, कॉपी पेन छोड़ दो और मुझे साथ साथ बताते चलो, है ना? जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करता चलूंगा, ठीक है? सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है ई इन का मतलब समझ में आ रहा है? सिलेंडर के अंदर किसी भी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सही बात है? तो मैं क्या करूंगा, यहां से स्मॉल आर अंदर ही जाना पड़ेगा ना, ये मुझे गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, ये ले लिया, क्लियर है? अगर मैं इस गॉसियन सरफेस के लिए लिखूंगा क्लोज एंट्री का लॉ, E डॉट ds इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना? जीरो, अंदर तो चार्ज ही नहीं है, क्लियर है? तो E डॉट ds जीरो हो गया। अगर मैं E डॉट ds को ओपन करता तो ये कितना बनता? E ds cos थीटा, थीटा कितना होता? जीरो, cos जीरो इज वन। तो E into ds equals to zero, क्या ds zero हो सकता है क्या? एरिया नहीं हो सकता, तो किसको जीरो होना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको कहानी समझ में आई? तो ये तो इनसाइड। अगर लेकिन मुझे आउटसाइड कैलकुलेट करना होता तो मुझे गॉसियन सरफेस कहां लेना पड़ता? बाहर। जैसे इधर देखो एक बार, जैसे मान लो कि ये मेरा सिलेंडर है जिसकी रेडियस आपको दे रखी कैपिटल, और अगर मुझे बाहर कैलकुलेट करना है तो मैं यहां से कितनी दूरी पर जाता? स्मॉल आर, और ये लेता गॉसियन सरफेस। सपोज ये गॉसियन सरफेस होती जिसकी लेंथ आपको एल दे रखी, ये लिखते ना। अब मुझे बताओ कितना लिखूं, फटाफट बोलते जाओ जल्दी। क्या लिखूं? क्लोज एंट्री का लॉ, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस को ई डी एस लिख सकता हूँ, ई बाहर आ जाएगा, डी एस बताओ। इंटीग्रल ऑफ डीएस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, कौन सा एरिया? जिससे फ्लक्स पास हो रहा है, जिससे फ्लक्स पास हो रहा है, तो इनसे तो हो नहीं रहा, ये वाला, कौन सा? ये वाला ना, दिस इज टू पाई स्मॉल आर इनटू ए। पक्का सबको क्लियर है? Q
क्यू इन कौन सा चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज। तो भाई ये वाला चार्ज ये यहां तो चार्ज है ही नहीं, ये चार्ज, तो वो मैं कैसे लिखूंगा, सिग्मा इनटू एरिया, कौन सा एरिया, एरिया कहां पर है, चार्ज कहां पर है, कर्व सरफेस पे, तो कौन सा एरिया, कर्व सरफेस, कितना आएगा 2 पाई कैपिटल आर इनटू है, सॉरी रो लिख दिया मैंने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसमें किसी को भी समस्या है, पक्का ई डॉट डी एस, डी एस था एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ये वाली है, इसका कर्व एरिया दैट इज 2 पाई स्मॉल आर इनटू एल इज इक्वल्स टू सिग्मा, टोटल चार्ज सिग्मा इनटू एरिया, कौन सा एरिया जिसमें चार्ज है, तो चार्ज तो इतने एरिया में, तो ये वाला एरिया कर्व सरफेस एरिया, तो दिस इज 2 पाई आर इनटू एल, यहां से कैंसिल आउट करोगे तो 2 पाई एल ये चला गया, ई की वैल्यू आ गई आपके पास, ई आउटसाइड कितना आया, सिग्मा कैपिटल आर अपॉन 2 है ना स्मॉल आर एप्सिलॉन, अच्छा 2 कैंसिल आउट हो गया क्या, ये सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, और अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, ये सबको बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक, है ना, सब लोग इधर देखो, पहले मुझे ये बताओ, सब लोग इधर देखो, कॉपी पेन छोड़ दो आराम से, ना मुझे इनसाइड, ये तो इनसाइड फील्ड कितना है 0, ये फॉर्मूला कब तक चलेगा, जब तक अंदर रहेंगे, जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर ना हो जाए, और जैसे ही मैं बाहर आ गया तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें जो ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है ना भाई, सिग्मा कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैसा कर्व बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो मुझे बता सकते हो क्या कर्व अगर ड्रॉ करूंगा तो अंदर तो कुछ बनेगा ही नहीं, कहां तक नहीं बनेगा, और उससे बाहर गया तो कर्व कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर, ये वैल्यू निकाल सकते हो क्या, कहां से स्टार्ट हो रहा होगा, निकाल सकते हो ना, ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पुट कर दो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ये जो मतलब बोल सो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी फील्ड की, और ये सरफेस के जस्ट बाहर हो, अंदर तो कितना है 0 है, अंदर तो कितना है 0 है ना, तो अपन बोल सकते हैं कि सरफेस के जस्ट बाहर वाले पॉइंट पर कितना फील्ड होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती, इसको नोट करो और अब इसको कैलकुलेट करो,
अभी देखते हैं चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस केस में कैलकुलेट करो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना, यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही बेटा है ना। अब सब लोग इधर देखो, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने वायर की बात की, वायर के बाद हम लोगों ने हॉलो सिलेंडर की बात की। अंदर फील्ड कितना आया, जीरो। बाहर कितना आया, रो मतलब सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आया। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास जो सिलेंडर है ना वो सॉलिड सिलेंडर है, मतलब चार्ज कहां पर भरा हुआ है, अंदर तक। सब लोग देखो पहले, कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है। अगर मान लो, मेरा डाउट है क्लियर करो, अगर मान लो ये सॉलिड ही होता लेकिन नॉन कंडक्टिंग की जगह कंडक्टिंग सॉलिड होता तो क्या फर्क पड़ जाता? कंडक्टिंग में चार्ज को अंदर भर ही नहीं सकते, बिल्कुल है ना। मेटल्स में या कंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि उस कंडक्टर के अंदर यानी मेटल्स के अंदर चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता, वो कहां पर आ जाता है, उसकी सरफेस पे आ जाता है। अगर मुझे है ना, बिल्कुल वो हमेशा वो हॉलो की तरह ही बिहेव करेगा क्योंकि सारा चार्ज हमेशा कहां पर होगा, सरफेस पे। अगर मुझे पूरे वॉल्यूम में चार्ज को फिल करना है तो मुझे नॉन कंडक्टर ही लेना पड़ेगा, क्लियर है? क्योंकि नॉन कंडक्टर में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जहां चार्ज दोगे वहीं चिपक जाएगा। क्लियर हो रही है बात यहां तक? अब मैंने एक नॉन कंडक्टर दे दिया, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस चार्ज सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो। रो हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्यों रो का यूज कर रहा हूं, सबको क्लियर है? क्योंकि चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम। अगर मुझे इनसाइड निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस, बिल्कुल भाई जैसे हम पहले कर रहे थे। जैसे मान लो ये गॉसियन सरफेस ले लो, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर। ये गॉसियन सरफेस ले ली जिसकी लेंथ कितनी है, एल। अब फटाफट स्पीडली करेंगे थोड़ा सा, बस फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन ई बार आ गया। इंटीग्रल ऑफ डीएस का मतलब एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, बता सकते हो कितना आएगा, कितना आएगा बोलो, टू पाई स्मॉल आर इंटू एल। इसमें किसी को समस्या नहीं होगी, कर्व एरिया निकाल लो, टू पाई आर एच Q in आएगा इसके अंदर जो चार्ज है। अब चार्ज कैसे निकालोगे, यहां पर रो है, रो रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, रो को वॉल्यूम से, इसकी वॉल्यूम से ये वाला चार्ज निकालना है, ये वाला सिलेंडर के अंदर कितना मसाला भरा हुआ है ना, तो रो को कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसकी वॉल्यूम से। तो रो इंटू वॉल्यूम बोलो, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। समझ में, छोटा आरी क्यों लिया, अरे पूरा चार्ज तो निकालना ही नहीं है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज निकालना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो गया सॉल्व, यहां से कैंसिल आउट करोगे ये पाई एल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से, एक आर चला गया, बिल्कुल ई की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज रो आर अपॉन। अच्छा
हम ड्राइव कर रहे हैं, हमें याद रहेगा तो बहुत बेहतर रहेगा, समय के साथ साथ याद भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो 100 में से 60-70% फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। और अगर आप भूल भी जाते हो तो ड्राइव करने में ज्यादा समय नहीं लगता, 15 से 20 सेकंड लगेंगे एक बार आप जब सीख जाओगे। जरूरी बात आता है ना, कितना आसान है, कुछ है भी नहीं इसमें ऐसा। अब इसी तरह से हमने इनसाइड कैलकुलेट कर लिया, ई आउटसाइड कैलकुलेट कर, अब गॉसियन सरफेस कहां पे लोगे, बाहर यहां से स्मॉल आर पे, है ना, कितना आएगा। अब देखो फटाफट एक लाइन में लिखने की कोशिश करते हैं, सब मेरे को बताते चलो साथ में, सीधे लिख रहा हूं, E into DS, DS का मतलब एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, बोलो कितना, 2 pi small r into है, is equals to Qin, Qin आया गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज, तो ये वाला चार्ज आया कितना आया बोलो, रो into वॉल्यूम, ये पूरी वॉल्यूम कितना, पाई कैपिटल आर क्यूब आर स्क्वायर इनटू एल डिवाइडेड बाय, सबको पक्का समझ में आ रहा है ना, यहां से कैलकुलेट करोगे तो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, पाई एल ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आपके पास ई की वैल्यू आएगी रो आर स्क्वायर अपॉन 2 epsilon naught स्मॉल आर, ये फॉर्मूले याद रखने क्योंकि इनका डायरेक्ट यूज करेंगे हम क्वेश्चंस। है ना, हर एक फॉर्मूला में बोल भी नहीं रहा हूं याद करने को, लेकिन कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले तो आपको याद करने को। इसका ग्राफ बनाते हैं, द ग्राफ ऑफ, बिल्कुल पहला कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन और फिर रेक्टेंगुलर, सबको बात बढ़िया समझ में आ रही है ना, मक्खन की तरह जा रहा है कि अंदर, है ना, वैसे ही जाना चाहिए, ठीक है। ये चीजें दिखने आपको आसान लग रही हैं, है ना, लेकिन आसान है नहीं, ठीक है। अगर आप किसी बच्चे से कराओगे तो वो हर चीज में कंफ्यूज हो, इवन रिपीटर बच्चे के लिए भी ये चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है ना। मैं इससे पहले ट्रेनिंग फैकल्टीज की क्लास लेके आ रहा हूँ, ये आपसे जस्ट पहले, है ना, और उनको भी यही पढ़ा के आ रहा हूँ ना, फैकल्टीज को, ठीक है ना। तो अब से जस्ट पहले उस बिल्डिंग सभी ने बिल्डिंग में लगती है ना, जो सामने के सभी ने जो भी बिल्डिंग है मिलेनियम टावर वहाँ पे लगती है उनकी, उसमें बहुत सारे 30-40 IITians हैं, कुछ NIT से पास आउट लोग हैं और कुछ 5-6 साल पढ़ाए हो उनको भी पढ़ा, ये चीज़ें उनके लिए भी डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि उनको आता है, इसलिए नहीं है, एक्सप्लेन करना हर एक पॉइंट को, बच्चे को क्रीम की तरह उतरना चाहिए ना, मक्खन गया मुंह में पिघल गया, ठीक है, बिल्कुल वैसा। तो अगर वैसा स्मूथली आपको समझ में आ रही है चीजें, एक एक चीज आपको वैसे दिखे जैसे मुझे दिख रही है, एक एक पॉइंट क्लियर हो कि मैं ये एरिया ये क्यों लिख रहा हूँ, ईट और डीएस का मतलब क्या, नेट फ्लक्स है बाद में, अभी ये वाला जो फ्लैट सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, जीरो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, हम आगे और ऑब्जेक्ट के लिए निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस केस में कर से जीरो हो जाएगा, उससे आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज अगर हमें यहाँ समझ में नहीं आएगी तो हमें बार बार कंफ्यूज, सर हम वहां पर तो हम ये वाला एरिया ले रहे थे, यहाँ पर हम ये एरिया ना लेके हम फ्लैट सरफेस एरिया ले रहे हैं,
वो सारा पॉइंट हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सबको मेरी बात बढ़िया समझ में आ रही है? ठीक है ना, तो पढ़ाने का तरीका ऐसे ही रखेंगे, मैं आपसे पूछ पूछ के ही पढ़ाऊंगा। यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज आर का अगर हम कर्व बनाए तो इनसाइड वाला फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला। यहाँ पे ई, ये सब कॉन्स्टेंट है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ये कब तक चलेगा? जब तक हम बिल्कुल सरफेस पर नहीं आ जाते। जैसे हम बाहर आ गए, फॉर्मूला चेंज हो गया और हम इस पर पहुंच गए, तो यहां पर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, तो कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर। ये जो कर्व बन रहा है, यहां पर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है और यहां पर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। क्या ये मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो क्या? स्मॉल r को कैपिटल r पुट कर दो। अब इधर देखो, आप किसी भी फॉर्मूले में पुट करो वो कभी गलत नहीं होगा, चाहे मैं इसमें पुट करूं तो रो कैपिटल आर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, चाहे मैं इधर पुट करूं तो रो कैपिटल आर बाय टू एप्सिलॉन। ये आए, क्लियर हो रही है? बता दें, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी वायर का कितना होगा, किसी भी होलो सिलेंडर का कितना होगा, इनसाइड कितना होगा, आउटसाइड कितना होगा, किसी भी सॉलिड सिलेंडर का कितना होगा इनसाइड एंड आउटसाइड। अब इसी चीज को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर। पहले स्फीयर के लिए निकालते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी, वही जो दांतों में लगी होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी निकालना है। जैसे आप ऐसे समझो, मैं समझाता हूँ मतलब क्या है। जिसे मान लो, इधर देखो सब लोग, छपाई रुक दो बिल्कुल, रिलैक्स है ना, रिलैक्स बॉयज, ठीक है, एंड गर्ल्स, ठीक है, सब लोग इधर देखो, पहले बात को ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर था, नॉन कंडक्टिंग था, तभी मैं अंदर चार्ज भर सकता हूँ। कंडक्टिंग में क्या मैं अंदर चार्ज भर सकता था क्या? उसमें सॉलिड का कोई मीनिंग नहीं होता। सबको क्लियर है एकदम? तो मैंने क्या किया, एक सॉलिड स्फीयर लिया और उसमें अंदर तक टूट टूट तक चार्ज भर दिया, ऐसा हो गया। अब मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है, ये बताओ इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन। जीरो किस में होता है बेटा? हॉलो में, ठीक है, सॉलिड है ये, नॉन कंडक्टिंग है। तो अगर मैं सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर आपसे फील्ड पूछता तो ई इनसाइड होता है रो स्मॉल आर बाय थ्री एप्सिलॉन। आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर मैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फील्ड की बात कर रहा हूं तो रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, और अगर मैं सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा हूं तो रो आर बाय टू एप्सिलॉन नॉट। है ना, इजी है, लिंक है दोनों एक जैसे, है ना। अगर स्फीयर में बाय थ्री आता है और सिलेंडर में बाय टू आता है, तो ये हम निकाल चुके हैं पहले। अब मैंने क्या किया, यहां पर इतने हिस्से में एक स्फेरिकल पार्ट को रिमूव कर दिया, और इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, कैविटी। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कैविटी। मान लेते हैं बड़ा वाला जो स्फीयर है, ये जो बड़ा वाला स्फीयर है, इसका सेंटर यहां पर, दैट इज सी वन, और जो कैविटी है उसका सेंटर जो है वो है सी टू। क्लियर है? तो सी टू किसका सेंटर है? जो स्फेरिकल कैविटी है ना, उसका सेंटर। और सी वन किसका सेंटर है? स्फीयर का। अब मुझे इस कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर, मान लो इस कैविटी के अंदर कोई भी ले लो, कहीं पर भी ले लो, आप बोलो सर यहाँ पर ले ले, यहाँ ले ले, कहीं पर भी। तो कैविटी के अंदर सपोज ये पॉइंट है, ये इनसाइड द कैविटी है, समझ में आया ना, ये पूरा मटेरियल का बना हुआ था, इसमें से इतना मटेरियल खींच के बाहर निकाल दी, तो यहाँ पे खाली जगह बन गई। तो इस खाली जगह में किसी भी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं ये कैलकुलेट करने वाला हूँ।
तो मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो पहले तो इसके रिजल्ट की बात करते हैं। तो बात ध्यान से सुनना कि कभी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कैविटी के अंदर जब आप फील्ड कैलकुलेट करते हो तो उस फील्ड की जो वैल्यू आएगी ना वो कॉन्स्टेंट आएगी, वो उस पॉइंट की लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती। मतलब मैं इस पॉइंट पे फील्ड पूछता, चाहे मैं इस पॉइंट पे 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 पूछता, हर पॉइंट पर फील्ड कैसा आता? सेम आता, यूनिफॉर्म आता, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में। और उसको हम अभी प्रूफ करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो कॉन्स्टेंट आ जाएगा, वो उस पॉइंट की लोकेशन से कैसा रहता है? इंडिपेंडेंट। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है यहाँ तक? तो पहले इसको नोट करो, ये डायग्राम बनाओ, फिर सॉल्व करो और थोड़ा सा सोचो, मुझे भी बताओ अप्रोच कैसे सॉल्व। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बस अप्रोच बिल्कुल सही है। ठीक है, इसने मेरे को बोला कि सर एक काम करते हैं, ठीक है, नाम वैभव ने मुझे बोला कि एक काम करते हैं सर, इसको फिल कर देते हैं, है ना, तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो एक काम करते हैं, पी पॉइंट पर कंप्लीट स्क्वायर की वजह से फील्ड निकाल देते हैं, और जितना हमने एक्स्ट्रा भर दिया उसकी वजह से फील्ड को माइनस कर देते, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सेंटर ऑफ मास में करते हैं, डायरेक्शन अभी देखिए, वेक्टर फॉर्म में कर लो। अरे टेस्ट में आया था क्या? अरे यही आया था क्या? तो कैसे करने वाले हैं सब लोग इधर देखो, मुझे बस बताते चलना, आप जो बोलोगे आपके अंदर से आंसर बाहर निकल निकल के आएगा, उबल उबल के, है ना। इधर देखो, इसको मैंने कंप्लीटली फिल कर दिया, जैसे ही मैंने इसको जादू से फिल कर दिया तो ये तो वही पूरा स्फीयर बन गया, और उसका फॉर्मूला तो मुझे पता है, इनसाइड कितना होता है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इसको फिल कर देता तो ये कैविटी होती नहीं। तो इस पी पॉइंट पर कंप्लीट स्फीयर की वजह से जो फील्ड होता वो होता रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। आर क्या होता? इसके सेंटर से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस, ऐसे बोलता हूं, ये हो गया R1 वेक्टर बोलता। तो मैं ये बोल देता कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो होता रो R1 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस। माइनस क्यों कर रहा हूँ सबको समझ में आया? हमने गड़बड़ कर दी, हमने कंप्लीटली फील्ड मान लिया लेकिन कंप्लीटली फील्ड नहीं है। हमने क्या किया, इस पी पॉइंट पर इतने पोर्शन की वजह से फील्ड ज्यादा मान लिया, अब इसको हटाना पड़ेगा। ये बताओ, ये जो पॉइंट है वो इस वाले स्फीयर के भी तो अंदर है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। लेकिन अब आर कौन सा होगा? इसके सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस, ये आ रहे हैं, इसको R2 बोल देते हैं, दिस इज R2 वेक्टर। तो माइनस रो R2 वेक्टर अपॉन क्या कॉमन आ गया, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट R1 वेक्टर माइनस। अब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर निकालते हैं, वो कैसे निकालें? इधर देखो, इसको अगर मैं x वेक्टर बोल रहा हूं, इसको कौन सा है एक्स वेक्टर? C1 और C2 वाला। देखो यहाँ पे बना देता हूँ दोबारा से, ये C1 था, ये C2 था, ये P पॉइंट था, ये कौन सा वेक्टर था? R1। ये कौन सा वेक्टर था? R2। इसको मैं बोल रहा हूँ एक्स वेक्टर। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, दोबारा से बचपन में चलते हैं, है ना, सबसे पहली क्लास, दूसरी क्लास, नर्चर की, है ना, है ना। तो इसमें हमने पढ़ा था कि पॉलीगन रूल पढ़ा था हम लोगों ने,
कि किसी भी क्लोज पॉलीगन में नेट वेक्टर सम क्या होता है, जीरो होता है अगर हम किसी भी एक सेंस को पॉजिटिव लेते हैं, लाइक टेल टू हेड पॉजिटिव मान लेता हूं, तो टेल टू हेड एक्स वेक्टर प्लस टेल टू हेड आर टू वेक्टर, हेड टू टेल माइनस का आर वन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। क्या मैं यहां से एक्स वेक्टर निकाल सकता हूं क्या? दिस इज आर वन वेक्टर माइनस, इसको यहां पर रखते हैं, दिस इज रो बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट एक्स वेक्टर। और क्या मैं एक्स वेक्टर को बिल्कुल सी वन सी टू वेक्टर बोल सकता हूं, बोल सकता हूं ना? तो यहां से कितना आया बेटा मेरे पास, ई इनसाइड कैविटी कितना आया, दिस इज रो बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट सी वन सी टू वेक्टर। अब इधर देखो, क्या रो कांस्टेंट है, क्या थ्री कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और सी वन सी टू वेक्टर भी कांस्टेंट है। कैसे? अगर मैं इस पी पॉइंट को इधर ना लेके इधर ले लेता, क्या इनके बीच की सेपरेशन चेंज हो जाती, क्या नहीं होती? ये दोनों के सेंटर के बीच की सेपरेशन है, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ कैविटी। तो ये उस पॉइंट की लोकेशन से कैसा है, इंडिपेंडेंट। अब मैं डायरेक्शन की बात करता हूं, जैसे थोड़ा सा डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं बोल सकता हूँ रो की तो कोई डायरेक्शन नहीं है, थ्री की कोई डायरेक्शन नहीं है, एप्सिलॉन नॉट की कोई डायरेक्शन नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो सी वन सी टू वेक्टर की डायरेक्शन होगी। मतलब इधर देखो सोलो, अगर रो पॉजिटिव है, अगर रो यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सी वन से सी टू की तरफ होगी। सी वन से, सी वन का मतलब बड़ा वाला स्फीयर का सेंटर, उससे कैविटी के सेंटर की तरफ। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो उल्टा हो जाएगा, तब कैविटी के सेंटर से स्फीयर के सेंटर की तरफ। सबको कहानी समझ में ही आता, इसको नोट करो, मैं लिख देता हूं रिजल्ट। तो यहां से आपके पास आ गया E इनसाइड कैविटी इधर लिख देता हूं, दिस इज इक्वल्स टू रो बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट सी वन सी टू वेक्टर। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, इफ रो इज पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम सी वन टू सी टू, एंड इफ रो इज नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ ई फ्रॉम सी टू टू सी वन। क्लियर होगी बात? सी वन और सी टू का मतलब समझ में आ रहा है, सी वन का मतलब स्फीयर का सेंटर और सी टू का मतलब कैविटी का सेंटर। तो मैं सपोज करता हूं फील्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल कैविटी इस बात से इंडिपेंडेंट होता है कि हम किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लोकेशन ऑफ पॉइंट about which electric field is calculated. इसी बेटा कैविटी हमेशा है ना, हम ऐसे बनाते हैं जैसे स्फीयर होगा तो स्फीयर के अंदर स्फेरिकल कैविटी, और अगर सिलेंडर होगा तो उसके अंदर सिलेंड्रिकल कैविटी। अदरवाइज क्या होगा, हम गॉस लॉ लिख तो पाएंगे लेकिन उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट। तो दो ही केस बनते हैं, स्फीयर के अंदर स्फेरिकल कैविटी और सिलेंडर के अंदर सिलेंड्रिकल कैविटी।
है ना। अगर आप इस कंसेप्ट में देखोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जेई मेंस एडवांस में मिल जाएंगे, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आपको मेंस और एडवांस में इसी पर मिल जाएंगे, मतलब रिपीटेड बार बार सेम फॉर्मूला अलग अलग तरह से पूछ लिया है ना। तो इसको हम डायरेक्टली इस चीज को याद रख सकते हैं कि जो फील्ड इनसाइड द कैविटी वो कैसा रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। इसे क्वेश्चन करते हैं, यहां पे नोट करो पहले। इसमें लगे आपको एक स्फीयर दे दिया जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, ये स्फेरिकल कैविटी है जिसकी रेडियस दे रखी है आर बाय टू। आपको कैलकुलेट करना है कि ये जो सेंटर है ना, स्फीयर का सेंटर है सी, कैविटी का सेंटर है C1 और ये पॉइंट है पी। इन तीनों पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी आपको कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट C1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, वेक्टर फॉर्म में आंसर है। ये टॉपिक होता है लिख लिया सबने, अब इधर देखो सब लोग, इधर देखो कॉपन छोड़ो, पहले इसको समझते हैं फिर हम चेक भी करेंगे कि यार हमने जो फॉर्मूला निकाला वो सच में काम कर रहा है, हम पर ऐसी फालतू बसड़ हो गई है ना। एक बार तो पहले फॉर्मूले को लिखे हैं। देखो मेरा फॉर्मूला क्या था कि कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर, तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूं कि कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर और कैविटी की इनर सरफेस पर भी, कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर और कैविटी की इनर सरफेस पर भी हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम रहता है, और वो आता है, यानी मैं बोल सकता हूं कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पर आएगा उतना ही C1 पर आएगा और उतना ही पी पर भी आएगा, और वो कितना आएगा रो बाय 3 ε0 C1 C2 का, ये आएगा। तो दिस इज रो बाय 3 ε0 और C1 C2 वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये वाला C1 C2 का मतलब समझ में आया ना। अब इस वाले C1 से मत कंफ्यूज हो जाना, C1 C2 का मतलब है कि बड़े वाले स्फीयर के सेंटर से कैविटी के सेंटर की तरफ, तो ये आया। ये लेंथ कितनी है R, तो ये कितना, कौन सी डायरेक्शन I के, ये आंसर है। तो आंसर बनेगा हमारे पास दिस इज रो आर बाय 6 ε0 आई के, क्लियर है यहाँ तक सबको। सब लोग देखो छपाई रख दो है ना, फोटो खींच लेना, ठीक है। सी पे निकालते हैं ना। अब मैं आपको तरीका दिखा दूं कि एक बार कैलकुलेट करें यार कि हमने जो कैलकुलेट किया वो सही है या गलत है, क्योंकि क्या होगा कई बार जरूरी थोड़ी एक ही कैविटी हो, एक से ज्यादा कैविटी हुई तो हमारे लिए फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो हमें बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार बेसिक से देखिए क्या कैसे सॉल्व करा। बेसिक हमारा वही था जैसे हमने फॉर्मूला ड्राइव किया। फॉर्मूला हमने कैसे ड्राइव किया, पहले हमने इसको कंप्लीटली फिल कर लिया,
फिर उसमें से कैविटी के फील्ड को माइनस कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताते चलना, पहले मैं सी पॉइंट पे निकाल रहा हूं। अगर मैं इसको कंप्लीटली फिल कर देता तो मैं पहले पूरे स्फीयर की वजह से सी पे निकालता, पूरे स्फीयर की वजह से सी पे कितना आता, जीरो। क्यों भाई, आर जीरो, बहुत बढ़िया, रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, तो आर कितना, जीरो। तो चमक रहे, पक्का है ना भाई, रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, आर की वैल्यू जीरो कर दोगे तो अगर मैं कंप्लीट स्फीयर की वजह से सेंटर पे निकालता तो कितना आता, जीरो। अब मुझे माइनस करना पड़ता किसकी वजह से, कैविटी की वजह से, और कैविटी की वजह से इस पॉइंट पर, कैविटी की वजह से इस पॉइंट पर कितना आता, रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, कैविटी की वजह से इस पॉइंट पर कितना आता, रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, तो रो आर बोलो आर बाय टू बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। और जब मैं कैविटी की वजह से यहां पे निकालता तो उसकी डायरेक्शन ये आती भाई, अगर ये पॉइंट है सपोज ये है और आप इस पॉइंट पे निकाल रहे हो तो ये डायरेक्शन आती है, कौन सी आती, माइनस का आती। तो माइनस माइनस कैसा हुआ, प्लस, कितना आया, रो आर बाय सिक्स एप्सिलॉन नॉट आई के। सबको कहानी बढ़िया समझ में आ रही है, और समझने की कोशिश करते हैं कि चलो एक बार सर, एक बार सी वन के लिए भी निकाल के दिखा दो। अगर मैं सी वन पे निकालता तो पहले कंप्लीट की वजह से निकालता, कंप्लीट की वजह से इस पॉइंट पर कितना आता बोलो, रो आर बाय टू बाय आई के, पक्का कंप्लीट की वजह से इस पॉइंट पर यही आता। माइनस करना पड़ता किसकी वजह से, कैविटी, और कैविटी की वजह से इस पॉइंट पर, ये तो कैविटी का सेंटर ही है, कितना है, जीरो। सबको कहानी बढ़िया समझ में आई, तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं कि हम अगर कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहते हैं या फिर उसकी इनर सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहते हैं तो हर जगह फील्ड की वैल्यू सेम होगी, जो फील्ड आएगा वो यूनिफॉर्म आएगा। हाँ जी, कौन सा वाला बेटा, ये वाला, ये वाला। ऐसा सोचो मैं इसको कंप्लीटली फिल कर देता और मुझे यहाँ पे निकालना, तो अगर मैं इसको कंप्लीटली फिल कर देता तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर बाय टू ही तो है। एक कंप्लीट स्फीयर की वजह से फील्ड कितना होता है, रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, रो आर कितना लेते हैं यहां से यहां तक, आर बाय टू बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। फिर मैं क्या करता, इतने की वजह से यहां पे माइनस करता और कितना माइनस होता वो, जीरो। क्यों, क्योंकि तो कैविटी का सेंटर ही, क्लियर हो रही बात यहां तक। ये फाइनली जब हम कैलकुलेट करते तो अब देखो हमेशा हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो हमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला पता है ना, और फॉर्मूला कितना है हमारे पास, रो बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट सी वन सी टू वेक्टर। सबको बात यहां तक समझ में आई, ठीक है, इसको नोट करो और उसके बाद रेस निकालो, पहले तो पहले शीट निकालो, शीट में एसओ वन एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट करो। करें बेटा स्टार्ट,
करें, ठीक है बताते चलो। एस वन का क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट हो गया, ठीक है। आपसे पूछा डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू सेज दैट द स्मॉल क्यू रिमेन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आप नेट फोर्स क्या कर दोगे, जीरो, है ना, मतलब बराबर कर दोगे दोनों, जितना फोर्स पहला चार्ज पार्टिकल लगा रहा है उतना ही दूसरा लगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया बेटा सबका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में क्या दे रखा है, फोर आइडेंटिकल क्यू चार्ज एट द प्लेस ऑफ अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ द साइड ए वेयर द चार्ज कैपिटल क्यू मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर सो दैट द कंप्लीट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आसान सा क्वेश्चन है, इसको ऐसे समझो बेटा, आपके पास एक स्क्वायर है, आपने इसके कॉर्नर्स पे छोटे क्यू ऐसे रख दिए ना, और सेंटर पे कितना रख दिया कैपिटल। अब इसने सबसे लास्ट लाइन बोली है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर रहना चाहिए, पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब इस सिस्टम में हर एक चार्ज इक्विलिब्रियम पर रहना चाहिए। अगर मान लो आप बोलोगे सर ये भी तो इक्विलिब्रियम पर है, इस पे नेट फोर्स जीरो कर दू, लेकिन इस पे नेट जीरो फोर्स करने से कैपिटल क्यू आंसर आएगा ही नहीं, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी तो इक्विलिब्रियम पर होगा, तो इस पे नेट फोर्स जीरो कर देते हैं। इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक तो ये लगाएगा इधर, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एक ये इस पे फोर्स लगाएगा रिपेल करेगा नीचे की तरफ, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एक ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू एल का होल स्क्वायर। अगर ये एफ है, ये एफ है तो ये एफ बाय टू हो जाएगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी। इसको बैलेंस करने के लिए इसको इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, इसके अपोजिट, जितना रिजल्टिंग फोर्स इसका आएगा उसको ये वाला फोर्स बैलेंस कर लेगा, और ये वाला फोर्स बेटा कितना आएगा, दैट इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ये रूट टू एल है तो ये एल बाय रूट टू का होल स्क्वायर। तो आप इस फोर्स को इनकी रिजल्टेंट के बराबर कर दो, आंसर बन जाएगा। सबको क्लियर हो रही बात बेटा, यहां तक आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये थर्ड था। क्वेश्चन नंबर फोर, फोर्थ हो गया बेटा पक्का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है, बात ध्यान से सुनते चलना सब लोग, एक बार मेरे साथ रीड भी कर लो, है ना। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दे रखा है, द टू चार्ज बॉल्स आर कनेक्टेड बाय द इनएक्सटेंसिबल, मतलब ऐसा धागा जो खींच नहीं सकता, थ्रेड लेंथ कितनी है 3 meter, द मास ऑफ द बॉल इज 2 kg एंड द 1 kg ऑफ द चार्ज इज +20 microcoulomb एंड -100 microcoulomb। इसको ऐसे समझो, ये तो है 20 microcoulomb और ये कितना है प्लस का 100 microcoulomb, ये कितने के जी का बेटा, सॉरी -20 ना, ठीक है माइनस का, ठीक है इसका मास कितना है 2 kg और इसका मास कितना है 1 kg। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 kg और एक फोर्स लगा रहे हैं, आपसे पूछा व्हाट विल बी द मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स एफ मस्ट बी अप्लाई ऑन द बॉल ऑफ द 1 kg सच दैट द थ्रेड डज नॉट स्लैक, है ना। बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया इस पे एक एफ फोर्स लगाया, आपसे एफ की मिनिमम वैल्यू पूछी है कि धागा स्लैक ना करे। बात ध्यान सुनना, धागा अगर स्लैक नहीं कर रहा है तो क्या दोनों चार्ज पार्टिकल एक साथ चल रहे होंगे, क्या चल रहे होंगे ना, एक धागे से 2 डब्बे बांध दिए, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा सेम। अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो क्या मैं दोनों को एक सिस्टम मान सकता हूँ, अगर मैं दोनों को सिस्टम मानूंगा तो टेंशन कैसा हो गया इंटरनल, कैसा हो गया इंटरनल, कूलाम फोर्स कैसा हो गया इंटरनल, क्योंकि तो जितना कूलाम फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा उतना ही ये इस पे, एक्सटर्नल फोर्स बचा कौन सा एफ, बाकी सारे इंटरनल हो गए। इज इक्वल्स टू टोटल मास 3 इंटू एक्सेलरेशन है तो ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया एफ फाइव, तो दोनों चार्ज पार्टिकल इतने एक्सेलरेशन से जा रहे होंगे। अब किसी भी एक का एफबीडी बना दो, जैसे इसका एफबीडी बना देता हूं, इस पे एक तो टेंशन टी लग रहा होगा, एक ये भाई इसको क्या कर रहा होगा अट्रैक्ट, कूलाम फोर्स लगा रहा होगा एफ, और ये कितने एक्सेलरेशन से जा रहा होगा ए इज इक्वल्स टू एफ बाय 3, दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे होंगे, तो क्या मैं नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा सकता हूं, क्या नेट फोर्स बोलो एफ ई प्लस टी इज इक्वल्स टू मास बोलो 2 इनटू एक्सेलरेशन बोलो एफ बाय 3, क्लियर है। और एफ की मिनिमम वैल्यू के लिए टी लगभग कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जस्ट स्लैक नहीं कर रहा, अबाउट टू स्लैक है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए टेंशन कितना पुट कर सकते हैं 0,
और अगर मैं इसको जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी 3/2 ऑफ, और एफ ही निकाल सकते हो ना, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। यार सर ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, 7 हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 8, बताता हूँ डायग्राम बनाना पड़ेगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है ना। आप दोनों एंड्स को मिला दोगे तो आपके पास थीटा 1 और थीटा 2 आ जाएगा। एक आएगा 9/12 दैट इज 37 और एक आएगा 16/12 दैट इज 53 डिग्री। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, दैट इज के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी चार्ज रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर फील्ड आपको पता है, दैट इज kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में क्या है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ही है, थोड़ी सी लैंग्वेज अजीब सी है, मैं बता देता हूं। इसने बोला द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछना चाह रहा है, ई चाह रहा है, इज रिक्वायर्ड टू एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए प्रोटॉन इज इक्वल टू द वेट एट द सी लेवल। तो ये बोल रहा है कि भाई जो प्रोटॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो उसके वेट के बराबर, यही तो बोल रहा है बस। और मैं एफ ई को क्या लिख सकता हूँ, क्यू इन टू इज इक्वल टू एम जी, ई तो निकालना है, एम जी डिवाइडेड बाई क्यू, मास ऑफ द प्रोटॉन दे रखा है, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन दे रखा है, जी की वैल्यू होती है 10 या 9.8 जो भी दे रखी है, आंसर आ जाएगा। तो वो क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, नेट टॉर्क जीरो कर दो, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो नेट टॉर्क अबाउट द हिंज पॉइंट जीरो कर दो, तो जब आप सॉल्व करोगे तो एम जी इज इक्वल टू एफ ई आ जाएगा, है ना, एम जी इज इक्वल टू क्यू इन टू ई आ जाएगा सॉल्व करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखा है, हमने क्या किया, घड़ी के जितने भी नंबर होते हैं ना 1 से लेकर 12 तक, नंबर हटा के उन पे चार्ज रख दिए, लाइक जहां 1 लिखा है वहां पे कितना चार्ज आ गया -2, जहां 2 लिखा है वहां पे माइनस का 2q। अब इसने अगली लाइन में बोला अज्यूम दैट द क्लॉक हैंड्स डू नॉट डिस्टर्ब द नेट फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, मतलब फील्ड बिल में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एट व्हाट टाइम डज द आर हैंड इज इन सेम डायरेक्शन एज ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसने बोला है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना, वो जो डायरेक्शन है वो कितने टाइम को इंडिकेट कर रही होगी, कितना समय दिखा रही होगी, ये पूछा है बस। तो नेट फील्ड निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, इधर देखो यहाँ पे कितना होता है 12, तो माइनस का 12 क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे ठीक है। अब इसमें पेयर बनाने और कुछ भी नहीं करना, इधर देखो यहां पर अगर मैं सेंटर पे निकालता कैसा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, फील्ड जो होता है टुवर्ड्स द चार्ज होता है, तो इसकी वजह से जो फील्ड आता है वो ऊपर की तरफ आता 12 ई है, क्यू चार्ज की वजह से अगर ई है तो माइनस के 12 क्यू की वजह से 12 ई होगा, इसकी वजह से कैसा आता अट्रैक्टिव, कहां आता नीचे की तरफ, 12e में से 6e माइनस हुआ तो बचा कितना 6e, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट, ठीक है। अब पेयर बनाते हैं, अब इधर देखो ये हुआ 1 और 7, ठीक है, तो 6e इस साइड आता, दो और 8 ये चला जाता, ये चला जाता और ये चला जाता,
सबको समझ में आ रही मेरी बात अच्छे से? अब इधर देखो, इनके बीच में एंगल कितना होता, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, 180 है, और 1, 2, 3, 4, 5, 180 को 5 पार्ट में डिवाइड करना है, 180 है ना? अच्छा सॉरी सॉरी, 180 नहीं है, हाँ बिल्कुल, ये 30 डिग्री होता है ना, तो 30, 60, 90, 120 और 150 होता है ना, क्योंकि ये नीचे नहीं है, 150 है, और ईच के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब इधर देखो, ये होता है आपके पास 30, ये एंगल भी 30, 30, ऐसे ही चलता। अब इसको सॉल्व कैसे करें, 120 वाला ढूंढो, 120 वाले कौन कौन से है? मैं बोल सकता हूँ ये वाला और ये वाला, हो गया ना, 30, 30, 30, 30, 120। तो अगर इन दोनों को मैं हटाता तो रिजल्टेंट उतना ही आता और इसके बाइसेक्टर पर आता, तो ये दोनों हट के यहां पर आ जाता, तो यहां पे कितना आ जाता, प्लस का 60 और आ जाता, तो यहाँ 12 ही हो जाता, तो यहां पर बचता अब आपके पास 12 ही, और कौन सा बचता, ये बचता, ये बचता, और ऊपर वाला बचता। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही बेटा? एक ही आ जाता आपके पास 6, ठीक है। अब इधर देखो, ये वाला और ये वाला अगेन कितना, 120, तो कहां पर आता है, इसके बाई सेक्टर पे, तो इधर ही आ जाता। ठीक है, ये है 9 और ये है 10, 9 और 10 के बीच में बिल्कुल, तो 9:30, ये तो जो घड़ी दिखा रही होगी वो आपके 9:30 बज रहे होंगे अभी, वैसे तो 7 ही बज रही है ना, तो 9:30 दिखा रहा हूँ, पर आंसर कितना आएगा बेटा, 9:30। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है बेटा, इसको नोट करो और उसके बाद रेस निकालो, रेस नंबर 30। आंसर्स में बता देता हूँ बेटा, रेस नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट का डी दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 2 डी, क्वेश्चन नंबर 3 बी बॉम्बे, फोर्थ का बी, फिफ्थ का ए, क्वेश्चन नंबर 6 डी, सेवेंथ का सी, एट्थ का सी, नाइन्थ का बी और टेंथ का बी। नोट कर बेटा, और तुम लोग का फोन फॉर्मेट हो जाए तो क्या करोगे, तो छीन के ले जाए रास्ते में से, तो मैं ही छीन लू, तो बैकअप कहाँ पे, जब फोन ही नहीं होगा तो गूगल कहां से एक्सेस करोगे, और लैपटॉप भी चोरी हो जाएगा। फिर जिंदगी बर्बाद हो गया। इंटरनेट कैफे, वहां पे गूगल थोड़ी ना खोलोगे, मूवी देखो बैठ के तुम। ये बिल्कुल सही है, यही आंसर चाह रहा था मैं, है ना। चलो रेस नंबर 14 बताते चलो बेटा, रेस नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट हो गया क्या, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप ऐसे समझो, इधर देखो सब लोग, अगर मैं दो न्यूट्रल बॉडीज को जब रब करता हूं तो हीटिंग की वजह से जिस बॉडी को एनर्जी मिलती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो वो मास लेके भी निकलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो जो बॉडी नेगेटिवली, जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो उसका मास भी कम हो जाता, और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचे वहां मास बढ़ गया, लेकिन ओवरऑल मास कैसा रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटा, इसमें ये चीज का जरूर ध्यान रखना, सब लोग देखो,
अगर मान लो आपके पास सपोज दो चार्ज पार्टिकल हैं, सपोज ये एंगल है थीटा वन, कौन कौन से फोर्स लगेंगे यहाँ पर अगर मैं दोनों चार्ज की बात करूं, सपोज ये क्यू वन है और ये क्यू टू है, तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एक तो यहाँ पे क्यू इंटू ई लग रहा होगा, मतलब एफ ई बोल दूं मैं इसको, और एक कौन सा फोर्स लग रहा होगा नीचे, एम, टेंशन लग रहा होगा। जब हम टेन थीटा की बात करते हैं तो शायद मैंने बताया भी था आपको, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा, एफ ई बाय। अगर ये एम वन चार्ज है तो यहाँ पर एम वन आ जाएगा, और अगर मैं इसकी बात करता तो सपोज टेन थीटा टू लिखता तो ये तो एफ ई रहता ना, और ये कितना हो जाता, एम टू जी, क्योंकि फोर्स तो कूलाम फोर्स तो सेम रहता ना, जितना पहला दूसरे पे लगाता उतना दूसरा पहले पे। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करने की कोशिश करता ना तो आपके पास जो रेशियो आता ना, दैट इज टेन थीटा वन अपॉन टेन थीटा टू, ये मास का इनवर्स रेशियो आता, दैट इज एम टू बाय, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो हम ये बोल सकते हैं अगर दोनों का मास बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, चाहे चार्ज बराबर हो या ना। सबको कहानी बढ़िया समझ में आई, ये इसका रिजल्ट आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, क्योंकि यहां पर दे रखा है दोनों का थीटा बराबर है, ठीक है, थ्योरी बस बैठे यहां तक, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। जैसे अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो दोनों का मास सेम है, तो नीचे चार्ज चेंज कर दिया तो चार्ज चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया बेटा, है ना, थर्ड तो बहुत आसान है बेटा। थर्ड क्वेश्चन में जैसे अगर हम बात करें, इसने क्या बोल रखा है कि व्हाट इज द एक्सेस नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी प्लेस ऑन द ईच ऑफ द टू स्मॉल स्फीयर्स। मान लो एक इलेक्ट्रॉन डालता कितना चार्ज आता, ई, अगर एन इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो एक पे कितना चार्ज आएगा, एन ई, दूसरे पर भी इतना ही डाल रहा हूं तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा बेटा, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, और ये फोर्स की वैल्यू है शायद आपको दे रखी है, This is 1.6 into 10 raised to power minus 8. ये आंसर ऐसे आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, एक पे चार्ज मान लो कैपिटल, एक पे स्मॉल क्यू मान लो, तो दूसरी पे कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू हो जाएगा। फोर्स लिख दो, उसको मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो। ऐसा करोगे तो आंसर आएगा क्यू बाई टू। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं दो चार्ज पार्टिकल के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन तब होता है जब दोनों चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया बेटा। ये ध्यान रखना, इधर देखो इसको, इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो। जैसे मान लो बात ध्यान रिजल्ट लिख देता हूं, अगर सपोज ये क्यू वन है और ये क्यू टू है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, अगर दोनों सेम पोलरिटी के हैं, आइदर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव है, तो पहला पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वो इन दोनों के बीच में आएगी, और कितनी दूरी पर आएगी, हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा दोनों चार्जेस के रूट के रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब अगर मान लो यहां इक्विलिब्रियम है तो इसका रूट कितना है, ये कितना है, इस रेशियो में बटेगी। दोबारा से बोल रहा हूं, अगर दोनों चार्जेस आइदर पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा दोनों के बीच में आएगी, और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो दोनों चार्जेस की डिस्टेंस को, सेपरेशन को अपने चार्ज के रूट के रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब इसको कितना हिस्सा मिलेगा, इसका रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इंटू आर, और इसको कितना हिस्सा मिलेगा, इसका रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इंटू टोटल सेपरेशन, ये मिलेगा। और अगर मुझे क्यू नॉट निकालना होता ना, तो क्यू नॉट की जो वैल्यू आती है वो आती है रूट ऑफ क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन रूट ऑफ क्यू वन प्लस क्यू टू का होल्स। वैल्यूज है आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, अगर आप इसमें नेट फोर्स जीरो कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और ये ध्यान रखना, अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो इस चार्ज की जो पोलरिटी है वो इन दोनों की पोलरिटी के अपोजिट है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में ना मिलके कहां मिलती, बाहर मिलती, और उस वाले चार्ज के ज्यादा करीब मिलती जिसका मैग्नीट्यूड
छोटा होता। सबको बात अच्छे से समझ में बैठा जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये नाइन्थ, नाइन्थ हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर टेन, नाइन्थ तो वही इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, डायरेक्ट डालोगे ना इसी वाला फॉर्मूला। दोनों चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है ना, Q/2 Q/2 यहाँ पुट कर दोगे तो Q/4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन हो गया बेटा। चलो कौन सा वाला होमवर्क, हाँ होमवर्क में दे रहा हूँ। तो ये तो सबको क्लियर है यहाँ तक है ना, और नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क मैं आपको SCQ में से दे रहा हूँ है ना। ओके फर्स्ट SCV जो दिखाया था ना, चैप्टर 29 इसके सॉल्व एग्जांपल्स। अप टू 30 और एक्सरसाइज क्वेश्चंस रिवाइज तक दे दिया था ना, मैं फिर भी प्रिसाइज कर देता क्योंकि हर एक क्वेश्चन करने का नहीं है ना। स्टार्टिंग का क्वेश्चन देखोगे तो F=KQ1Q2R² भी 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं आपको सेलेक्टिव क्वेश्चन दे देता हूँ। तो 6, 7, 9, 12, 17, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 46, 47, 48, 49, 50, ठीक है, बस ये है ना। ठीक है, हाँ तो कल भी तो छुट्टी है तुम्हारी, मतलब फिजिक्स की क्लास की है ना। तो SCV चैप्टर 29 के सॉल्व एग्जांपल्स जो है ना, तो 1 से लेके 13 तक ये तो सॉल्व है पहले से, इसको तो आज IPL देखते देखते कर सकते हो है ना। अब बचा ये, इसके स्टार्टिंग के तो ऐसे ही हो जाएंगे, देख के ऐसे करोगे ऐसे घुमाओगे मुंह हो जाएगा है ना। बस तो कुल मिला के 10-12 क्वेश्चन ही है करने लायक है ना। ठीक है, और भी दे सकता हूँ वक्त नहीं चले।